हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीएस मेकओवर। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर स्किन केयर रूटीन। तो विंटर में आप अपना स्किन केयर रूटीन कैसे कर सकते हैं किन किन प्रोडक्ट के साथ, तो आज इस वीडियो में मैं वही बात करूँगी। तो ये मेरा करंट विंटर स्किन केयर रूटीन है जो मैं इनको फॉलो करती हूँ। अगर आपकी भी ऑयली स्किन है तो आप ये वाले प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन के लिए, जो काफ़ी हाइड्रेट रहेगी, आपकी स्किन पैम्पर रहेगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट स्टेप आता है हमारा स्किन क्लीन करने का। यहाँ पे मैंने वाओ का फेस वॉश लिया है, ये है एप्पल साइडर का फेस वॉश है और इसमें सिलिकॉन का ही ब्रश आता है और इसकी हेल्प से मैं अपने पूरे फेस पे क्लीन कर लूँगी, अपने फेस को पूरे फेस पे अच्छे से फेस वॉश यूज़ कर लूँगी। इसके बाद मैं फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लूँगी। तो फेस बिल्कुल क्लीन हो गया है। अब सेकंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे मैंने स्क्रब लिया, यह है लोटस का स्क्रब है, वाइट स्क्रब, और इसमें जो पार्टिकल्स है काफ़ी अच्छे पार्टिकल्स है, आपकी स्किन को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं स्किन ये स्क्रब जो यूज़ करती हूँ वो वीकली स्क्रब यूज़ करती हूँ। आप भी वीकली में अपना स्क्रब ज़रूर ऐड करें अपने स्किन केयर में। तो यहाँ पे मैंने पूरे फेस पे क्रीम लगा ली है और इसके बाद मैं रोज़ वाटर लेके अपने पूरे फेस पे हल्के हल्के हाथों से फिंगर की हेल्प से मसाज करूँगी। नोज़ की साइड पे यानी टी जोन जो एरिया होता है हमारे, वहाँ की साइड पे ज़्यादा मैं इसको हल्के हल्के हाथों से मैं स्क्रबिंग करूँगी, जिससे कि मेरे जो जितने वाइट्स ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, तो वो अच्छे से वो रिमूव हो जाए। नेक्स्ट आते हैं हम मसाज क्रीम पे। यहाँ पे मैंने लिया गुड वाइब्स की एलोवेरा प्लस ग्रीन टी मसाज क्रीम है। तो इसको मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई करके पूरे फेस पे स्प्रेड कर लूँगी। देन उसके बाद में आप चाहें तो आप नॉर्मल वाटर भी ले सकते हैं या फिर आप रोज़ वाटर की हेल्प से भी अपने फेस को वेट करके हल्के हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है, जिससे कि आपका जो फेस बिल्कुल डीपली क्लीन भी होगा, ग्लोइंग करेंगे आपका फेस। इसमें ग्रीन टी है, ग्रीन टी से आपके फेस पे जितनी भी डलनेस होती है या फिर पिगमेंटेशन होती है उसको हेल्प करता है रिड्यूस करने में। तो यहाँ पे मैंने फिंगर की हेल्प से हल्के हल्के हाथों से मसाज करूँगी, पॉइंट्स को भी प्रेस करेंगे जिससे कि मेरा फेस बिल्कुल ग्लो दिखे। तो ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया है, स्किन काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है मुझे पहले से। इसके बाद आते हैं, मैं एक ब्लैक हेड्स रिमूवर लूँगी, इससे मैं अपने जितने भी वाइट हेड्स हैं उसको मैं हल्के हल्के हाथों से इसको रिमूव कर लूँगी। आपको उसको ज़्यादा प्रेस करके नहीं निकालना है, इसका बहुत ध्यान रखना है, आपको बहुत हल्के हल्के हाथों से अपने वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स रिमूव करना है। इसके बाद मैं काया का ही मैं टोनर यूज़ करूँगी, पोरलेस टोनर है तो उसको मिनिमाइज़ करने में काफ़ी हेल्प करता है। और एक कॉटन पैड लेके अपने प्रेस करूँगी, टोनर लगा लेंगे, अप्लाई कर लेंगे इसको हल्के हल्के हाथों से। नेक्स्ट आता है हमारा मास्क का स्टेप आता है। ये भी मैंने गुड वाइब्स का ही रोज़ हिप मास्क यूज़ कर रही हूँ ये, और ब्रश की हेल्प से मैं पूरे फेस पे अच्छे से पैक लगा लूँगी। और आप चाहें तो आप फिंगर की हेल्प से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ब्रश से काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है इसको यूज़ करना। देन उसके बाद मैं 10 मिनट तक इसको रखूँगी एंड उसके बाद इसको ड्राई करने के बाद मैं फेस को वॉश कर लूँगी नॉर्मल वाटर से। इसके बाद आते हैं हम टोनर पे। अगेन मैं वही सेम टोनर यूज़ करूँगी, काया का पोर मिनिमाइजिंग टोनर है ये। तो ये टोनर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्किन में जितने भी पोर्स, ओपन पोर्स होते हैं उसको मिनिमाइज करने में काफ़ी हेल्प करता है। नेक्स्ट आते हैं हम मॉइस्चराइज़र पे। यहाँ मैंने सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र लिया है, ये मेरा करंट फेवरेट मॉइस्चराइज़र है। इससे जितने भी अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो ये मॉइस्चराइज़र ज़रूर ट्राई करें। या नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे क्रीम पर आते हैं। यहाँ पे मैंने वही सेम ग्रीन टी क्रीम यूज़ करी है, यहाँ पे विंटर स्किन केयर क्रीम है तो स्किन को बिल्कुल हाइड्रेट कर देता है, पीएच बैलेंस को भी मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट स्टेप यूज़ करेंगे लॉरियल पैरिस का रिवाइटल लिफ्ट 1.5 हाइलुरोनिक एसिड सीरम। ये काफ़ी अच्छा सीरम है, काफ़ी ग्लोइंग सीरम है, ये डीपली हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को, प्लम्पी बनाता है स्किन को, एकदम से डीपली ग्लो बना देता है। तो मेरे रिकमेंडेशन पे आप ये वाला सीरम ज़रूर ट्राई करें, ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा सीरम है, बिल्कुल वाटरी सीरम है, नॉन ग्रीसी सीरम है, ऐसा नहीं है कि कोई ऑयल लगाया हुआ है, बिल्कुल स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है। इसके बाद मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर लूँगी, फेस को मॉइस्चराइज कर लिया है, लिप्स को मॉइस्चराइज करना इंपॉर्टेंट है विंटर सीजन में। तो ये था मेरा स्किन केयर रूटीन। तो आप अपने स्किन केयर रूटीन में इसको ले सकते हैं एंड जो स्क्रब एंड फेस मास्क का जो स्टेप होता है उसको स्किप कर सकते हैं, आप उसको वीकली में यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, ये था मेरा विंटर स्किन केयर रूटीन, आई जस्ट होप आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगे डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।